वेस्ट इंडीज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वो एकमात्र ऐसी टीम है जो एक से ज्यादा देशों को रिप्रेजेंट करती है। वेस्ट इंडीज वो नाम भी है जिसने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में बादशाह शब्द को एक अर्थ देने का काम किया था। वेस्ट इंडीज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने शानदार खेल और खिलाड़ियों से रोशन रहने वाली वो टीम है जो आज के समय में सिर्फ कुछ जुगनुओं की रोशनी में सांस ले रही है। अपने स्वर्णिम दौर में अपना अलग भौकाल रखने वाली यह टीम आखिर कैसे आज टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग से गायब हो गई और आखिर क्यों एक शानदार विरासत अपने साथ रखने वाली इस टीम के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। आज की इस वीडियो में हम वेस्ट इंडीज क्रिकेट के इसी सफर को बेहद ही करीब से जानने वाले हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट की शुरुआत 19वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटिश हुकूमत के अधीन तब हुई जब इंग्लैंड से आने वाली एक टीम के खिलाफ पहली बार यहाँ के लोगों की क्रिकेट टीम को तैयार किया गया था। एक लंबे समय तक वेस्ट इंडीज में सफेद चमड़ी वाले लोगों का दबदबा रहा क्योंकि अधिकांश क्रिकेट क्लब ऐसे ही लोगों के अधीन थे। धीरे धीरे काली चमड़ी वाले लोगों ने अपने अलग क्रिकेट क्लब तैयार करने शुरू कर दिए लेकिन हालत फिर भी समान ही रहे। साल 1928 में वेस्ट इंडीज टेस्ट क्रिकेट में हिस्सा लेने वाली चौथी टीम बना। फाइनेंशियल हालात खराब थे और गोरे लोगों का दबदबा अब भी जारी था। दूसरे विश्व युद्ध तक और उसके बाद भी कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा लेकिन फिर साल 1960-61 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्ट इंडीज को फ्रैंक वॉरेल के रूप में अपना पहला ब्लैक कैप्टन मिला। बहुत से क्रिकेट पंडितों की माने तो फ्रैंक वॉरेल ही वो शख्स थे जिन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए उस जमीन को तैयार करने का काम किया था जिस पर आगे चलकर एक शानदार महल खड़ा होने वाला था। फ्रैंक वॉरेल और महान ऑलराउंडर गैरी सोबर्स की कप्तानी में वेस्ट इंडीज क्रिकेट की एक मजबूत जमीन तैयार हो गई थी। 70 के दशक में क्लाइव लॉयड के आगाज के साथ ही वेस्ट इंडीज क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव नजर आने लगा। गॉर्डन ग्रेनेज, वेब रिचर्ड्स के साथ माइकल होल्डिंग, मल्कम मार्शल जैसे गेंदबाजों के आतंक ने इस टीम को विश्व क्रिकेट की अनऑफिशियल चैंपियन साबित कर दिया था। साल 1975 में वेस्ट इंडीज ने विश्व चैंपियन का ताज भी हासिल कर लिया था लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया से मिली एक मैच में हार से आहत क्लाइव लॉयड ने कहा कि आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वास्तव में इस दौर की शुरुआत हुई जिसमें वेस्ट इंडीज को हराना आसमान में छेद करने जितना मुश्किल हो गया था। इसी वेस्ट इंडीज टीम को जब इंग्लिश कप्तान की ग्रोवल वाली बात पसंद नहीं आई तो माइकल होल्डिंग ने पूरी इंग्लिश टीम को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया था। वेस्ट इंडीज का मैच दर्शकों के लिए आंखों को चकित कर देने वाले अनगिनत लम्हों वाला मैच होता था जहां किल ही मैन जैसे नारे एक रोमांच पैदा कर देते थे। वेस्ट इंडीज ने साल 1979 में लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन का ताज अपने नाम किया और दूसरी तरफ टेस्ट क्रिकेट में भी इस टीम को टक्कर देने वाला प्रतिद्वंदी नहीं मिल रहा था। आंकड़ों की तरफ देखें तो साल 1976 से लेकर साल 1995 तक के समय को वेस्ट इंडीज का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस दौरान वेस्ट इंडीज ने कुल 137 टेस्ट मैच खेले थे और सिर्फ 18 मैचों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा था। 80 के दशक से लेकर 90 के दशक के मध्य तक वेस्ट इंडीज ने 31 टेस्ट सीरीज में भाग लिया था और सामने वाली टीम को हर तरह से झकझोर देने वाले खिलाड़ियों से सजी इस टीम को सिर्फ एक सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। बल्लेबाजों के हौसले और हड्डियों को तोड़ने की इच्छा लेकर मैदान पर उतरने वाले गेंदबाजों के साथ वेब रिचर्ड्स और एल्विन कालीचरण जैसे बल्लेबाजों ने अपनी टीम को हर तरफ से अभेद बना दिया था जहां से बिना हारे निकल पाना लगभग नामुमकिन था। साल 1983 में भारत के हाथों विश्व कप फाइनल में मिली हार शायद विश्व क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चंभा था लेकिन क्रिकेट को करीब से जानने वाले लोग जानते हैं कि उस मैच के ठीक बाद दोनों टीमों के मध्य खेली गई सीरीज में क्या हुआ था। लगभग दो दशकों तक विश्व क्रिकेट में एक छत्र शासन करने वाली वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों के लिए भी वो समय शानदार था। लोग अपने हीरोज की खुशियों को अपने घर में त्योहार मनाने का कारण मानते थे। क्रिकेट वेस्ट इंडीज की गलियों में आम सी बात हो गई थी। यह खेल यहाँ के लोगों के लिए खुशियां मनाने का कभी न खत्म होने वाली वजह बन गया था। अक्सर क्रिकेट की जुबान में कहा जाता है कि यहाँ के हीरोज को लोग पसंद नहीं करते हैं लेकिन वेस्ट इंडीज इस बात का सबसे बड़ा अपवाद है। लेकिन शानदार दौर धीरे धीरे अपनी ढलान की तरफ बढ़ने के इशारे देने लगा था। 90 का दशक आते आते विव रिचर्ड्स, होल्डिंग, मार्शल जैसे खिलाड़ियों ने मैदान को अलविदा कह दिया था और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंशियल परेशानियां सामने आने लगी थी। नए खिलाड़ियों के लिए मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पैसे एक अहम जरूरत ही बन गई थी। हालांकि चंद्रपॉल, लारा, कर्टनी वॉल्श और कर्टली एम्ब्रोस जैसे कुछ नाम अब भी खेल रहे थे लेकिन वो परिणाम और वैसा खेल अब नजर नहीं आ रहा था। यही वो समय भी था जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अपनी बुलंदियों की तरफ बढ़ रही थी। साल 1995 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कैरिबियन धरती पर वेस्ट इंडीज के अजेय रथ को रोकने का काम किया और 2-1 से सीरीज अपने नाम कर वेस्ट इंडीज के पिछले 15 सालों से चले आ रहे विजय अभियान को खत्म कर दिया था। इसी सीरीज के दौरान अपने स्वैग और निडरता के लिए मशहूर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रजी रिचर्डसन अपने करियर में पहली बार हेलमेट पहनकर मैदान पर उतरे थे जो एक तरह से इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वेस्ट इंडीज का वो स्वैग खत्म हो गया था।
साल 1996 विश्व कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली जीत और फिर 2003 में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाले कुछ चुनिंदा मौकों को छोड़ दें तो वेस्टइंडीज क्रिकेट अब धीरे धीरे स्पष्ट तौर पर अपने गर्त की तरफ बढ़ रही थी। 90 का दशक और 21वीं सदी की शुरुआत में दौर था जब इस टीम को अपना एक टिकाऊ कप्तान नहीं मिल पा रहा था। फाइनेंशियल हालात के कारण टीम में अंदरूनी तौर पर भी सब कुछ सही नहीं चल रहा था। खिलाड़ियों में आत्मविश्वास और आत्मचिंतन जैसी खूबियां खत्म हो गई थी। अगले कुछ सालों में ब्रायन लारा टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक पारी में 400 का आंकड़ा हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज बने। तो वही कर्टनी वॉल्श ने भी पहली बार 500 विकेट हासिल करने का कारनामा कर दिया था। लेकिन इसके बाद वेस्टइंडीज टीम में खिलाड़ियों के बीच मन मुटाव की खबरें भी आने लगी। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टइंडीज में इतिहास के प्रोफेसर हिलेरी बैकलस ने एक बार कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा आत्मविभाजित कैरिबियाई लोग वेस्टइंडीज क्रिकेट में ही मिलते हैं। ये बात एकदम तक सही भी नजर आती है। कोई जमैका तो कोई एंटीगुआ के लिए खेल रहा है, लेकिन बहुत से कम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें खुद को वेस्टइंडीज क्रिकेटर मानने पर गर्व का अनुभव होता है। 2006 से T20 क्रिकेट का आगाज भी हो गया, जिसमें कुछ समय के लिए चुनिंदा मौकों पर वेस्टइंडीज का वो पुराना रूप नजर आया। लेकिन इस आगाज ने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच की खाई को और भी बढ़ा दिया था। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ अच्छी सुविधाओं में क्रिकेट खेलने का इंतजार कर रहे कैरिबियन खिलाड़ियों ने अलग अलग T20 लीग्स को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दिया। ठीक ऐसा ही कुछ पहले भी हुआ था, जब कैरी पैकर ने क्रिकेट में क्रांति लाने का मन बनाया था। तब वेस्टइंडीज के लगभग सभी खिलाड़ी उनके साथ हो गए थे। साल 2008 में IPL शुरू होने के बाद से लेकर अभी तक वेस्टइंडीज की तरफ लगभग सभी खिलाड़ियों ने इस लीग में भाग लिया है। क्रिस गेल और आंद्रे रसेल जैसे खिलाड़ियों पर तो ये आरोप भी लगाए गए हैं कि खिलाड़ी अपने देश के बजाय दूसरी लीग्स में खेलना ज्यादा अच्छा मानते हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हालात लगातार खराब हो रहे थे। अलग अलग जगह पर लीग क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी ऐसी गतिविधियों में अपना समय बिताने लगे जो एक खिलाड़ी के लिए नहीं होती है। वेस्टइंडीज में क्रिकेट क्लब से लेकर स्पॉन्सर्स और तकनीकी सब कुछ लगभग खत्म होने लगी थी। डैरन समी ने नाउम्मीदगी से भरे ऐसे माहौल में वेस्टइंडीज को T20 विश्व कप चैंपियन बनाया। 2 बार वेस्टइंडीज चैंपियन बनी, लेकिन खुद पर वो आत्मविश्वास, भरोसा और खड़े होने का जुनून अभी यहाँ के नए खिलाड़ियों में नहीं आया था। यही वजह रही कि कुछ समय पहले विश्व चैंपियन का ताज हासिल करने वाली वेस्टइंडीज टीम 2017 चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। साल 2005 से कैरिबियाई खिलाड़ियों और क्रिकेट बोर्ड के बीच शुरू हुई तनातनी का असर आंकड़ों में भी साफ नजर आने लगा। जिस वेस्टइंडीज टीम ने 1966 से 1995 तक कभी भी 4 से ज्यादा मैच एक पारी के अंदर से नहीं हारे थे, उस क्रिकेट टीम को 1995 से 2015 तक लगभग 21 मैचों में एक पारी के अंतर से हार झेलनी पड़ी थी। हाल ही में वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी वेस्टन बेंजामिन के वीडियो ने वेस्टइंडीज क्रिकेट की दयनीय स्थिति, लगातार गर्त में जाते सिस्टम और खिलाड़ियों के अपनी टीम को लेकर बुरे रवैये और मजबूरी को जगजाहिर कर दिया है। और इन सब का असर कहीं न कहीं कैरिबियन क्रिकेट प्रशंसकों पर भी पड़ा है, जिनकी गिनती अब किसी मैच के दौरान मैदान में न के बराबर रहती है। वेस्टइंडीज क्रिकेट आज अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जहां उसके पास टैलेंट तो है, लेकिन उसको निखारने के लिए साधन और उन साधनों को जुटाने के लिए पैसे नहीं है, और न ही वो सिस्टम है जो इन सब चीजों को खड़ा कर सकता है। माइकल होल्डिंग ने एक बार कहा था कि वेस्टइंडीज क्रिकेट का पतन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको अपने शून्य तक पहुंचने के लिए भी और सफर करना पड़ेगा। वेस्टइंडीज क्रिकेट अभी उसी सफर पर है, जहां एक मुकाम ये भी आया कि जब T20 क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल टीम 2022 T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। ESPN पर वेस्टइंडीज क्रिकेट के पतन पर प्रकाशित एक आर्टिकल में दिए गए आंकड़ों के अनुसार यह टीम अपने पिछले 50 से ज्यादा टेस्ट मैचों में 21 से ज्यादा बार 200 का आंकड़ा छूने से पहले ही ऑल आउट हुई है, और इन मैचों में विरोधी टीम ने 500 तक का स्कोर हासिल किया था। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम 1996 विश्व कप के बाद कभी भी किसी ODI विश्व कप में सेमीफाइनल तक का सफर नहीं तय कर पाई, और इस टीम को वनडे और टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष से उतरे लगभग 30 साल हो गए हैं। ब्रायन लारा, विव रिचर्ड्स, माइकल होल्डिंग, क्रिस गेल, कर्ट लियम रोस, चंद्र पॉल और नरेन जैसे अंतहीन महान खिलाड़ियों वाली यह टीम जिस तरह और जितनी तेजी से अपने गर्द की तरफ बढ़ रही है, वो सच में सिहरन पैदा करने वाला अनुभव है। लीग क्रिकेट, खिलाड़ियों का गलत रवैया, उनकी मजबूरी, खराब फाइनेंशियल हालात किस तरह एक शानदार क्रिकेट सिस्टम को खत्म कर सकते हैं, आज की वेस्टइंडीज टीम इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। इस उम्मीद के साथ कि वेस्टइंडीज क्रिकेट का भविष्य अतीत की तरह शानदार रहे और यह टीम बेहतरीन अंदाज में अपनी वापसी करे, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।